हेलो ऑल, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता गोयल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगी, आप लोगों ने टाइटल से रीड ही कर लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, तो जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो मेरे पास है 5 गुड वाइब्स के फेस जेल्स, ये 5 अलग वेरिएंट्स हैं, तो मैं इनका आज ऑनेस्ट रिव्यू करूंगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं, 1 by 1 में 5 जेल्स के बारे में बात करूंगी। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कुछ ये बड़े साइज में है और कुछ ये स्मॉल साइज में है। तो गुड वाइब्स के सारे ही प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री होते, सल्फेट फ्री होते, क्रुएल्टी फ्री होते, यहाँ पर भी ब्रांड ने मेंशन किया हुआ लेबलिंग पर। तो ये गुड वाइब्स की जो फेस जेल्स हैं इसके अंदर आपको 19 to 20 डिफरेंट वेरियंट्स मिल जाते हैं। मेरे पास इसके 5 वेरियंट्स हैं। तो पहली मेरे पास जो गुड वाइब्स की फेस जेल है ये रोजिक वाली फेस जेल है। तो पैकेजिंग की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 3 साइजेस मिल जाते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम एंड 300 ग्राम। जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएंट्स के अंदर आपको तीनों साइजेस मिले, किसी के अंदर आपको 100 और 300 ग्राम मिलता है। तो आप ये जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स है पर्पल की वेबसाइट और ऐप पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और गुड वाइब्स जो ब्रांड है उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च कर ली, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अमेजोन पर भी आई थिंक मिल जाते हैं। तो पैकेजिंग तो ये जो है कन्वीनियंट है, टफ साइज है, जो मेरे पास है ये 50 ग्राम है। इसका रिटेल प्राइस है 175 रुपीज और ये बेस्ट विद है 3 इयर्स। और ये वाली जो गुड वाइब्स की रोज वाली जेल है हाइड्रेटिंग फेस जेल है, ये आपकी स्किन को डीपली नरिश करती है, हाइड्रेट करती है, ऐड करती है ग्लो एंड रेडियंस को, और जो स्किन टोन है उसको इवन करती है, फर्म करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है। तो ये वाली जो फेस जेल है ये गुड है ऑल स्किन टाइप के लिए, बट ये स्पेशली ऑयली स्किन टाइप के लिए ज्यादा अच्छी होगी और समर सीजन में ज्यादा अच्छी होगी। तो ये देखिए अंदर से पैकेजिंग कुछ ऐसे, इसके ऊपर कैप भी है, तो हाइजीन पर्पज के लिए अच्छा है, ये ब्रांड ने ऐसे दिया हुआ है इसमें टफ साइज में। तो ये देखिए फेस जेल कुछ ऐसे लगेगी, इसका टेक्सचर बड़ा ही अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है इसका टेक्सचर, कुछ ज्यादा कलर नहीं है। तो ये वाली जो गुड वाइब्स की रोज फेस जेल है इसके अंदर ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसके अंदर मुझे फ्रेग्रेंस ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं लगी और इजीली क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्रीजी भी नहीं है, नॉन ग्रीजी है, नॉन स्टिकी है। तो ये वाली आप रोज फेस जेल जरूर ट्राई अप कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मैं अमाउंट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पिंकिश कलर है क्योंकि रोज है तो थोड़ा कलर होगा इसके अंदर, ज्यादा कलर नहीं है। तो ये वाली फेस जेल काफी अच्छी लगी मुझे, आप इसको डेली में यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट में, जब भी आपका मन हो फेस क्लीन करने के बाद। तो ये जो गुड वाइब्स की जेल्स हैं इनको आप फेस और हेयर में यूज कर सकते हैं। कुछ जेल हैं जो फेस पर ही यूज होंगी और आप इनको DIY में यूज कर सकते हैं। जो ये गुड वाइब्स की जेल है मैं इनको फेस पर ही यूज करती हूँ, हेयर में मैंने अभी तक इनको यूज नहीं किया है। तो सेकंड जो जेल है मेरे पास ये गुड वाइब्स की वाटरमेलन जेल, इसको आप फेस एंड हेयर दोनों में यूज कर सकते हैं, ये परफेक्ट है ऑल स्किन टाइप के लिए। पैकेजिंग देख रहे हैं मेरे पास है, ये 100 ग्राम पैकेजिंग है और इसका रिटेल प्राइस है 215 रुपीज और ये बेस्ट विद है 3 इयर्स। तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट शील्ड है, तो हाँ ये जो गुड वाइब्स की जेल्स है इनके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट शील्ड भी आती है, तो ये काफी अच्छी बात है कि पैकेजिंग सेफ है इन सबकी। तो इसकी मैं अंदर से दिखा देती हूँ टेक्सचर। तो ये देखिए इसका अंदर से कुछ ऐसे कैप आएगा लिड, ये देखिए वाटरमेलन जेल कुछ ऐसे लगेगी, इसका टेक्सचर भी लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉन स्टिक है, नॉन ग्रीजी है। तो इसके अंदर भी फ्रेग्रेंस ज्यादा नहीं है, जो गुड वाइब्स की रोजिप वाली जेल है उससे थोड़ी ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, ओवर पावरिंग नहीं है। बट हाँ अगर आप लोगों को बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है तो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स में कुछ कुछ फ्रेग्रेंस होती है, तो इसमें भी फ्रेग्रेंस है। ये देखिए इसके अंदर भी थोड़ा सा पिंकिश कलर है वाटरमेलन जेल के अंदर भी, तो ये वाली जेल भी आप जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं, परफेक्ट है ऑल स्किन टाइप के लिए। ये आपके डार्क स्पॉट को रिड्यूस करेगी, आपके ब्लेमिशेस को रिड्यूस करेगी, डलनेस को रिड्यूस करेगी। और ये वाली जो गुड वाइब्स की वाटरमेलन जेल है ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, डीपली नरिश करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बनाएगी, सॉफ्ट एंड सफल बनाएगी। तो ये वाली भी आप गुड वाइब्स की वाटरमेलन जेल को ट्राई आउट कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक नहीं है, लाइट वेट है इसका टेक्सचर। ये वाली जेल भी मुझे अच्छी लगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, डेली यूज के लिए परफेक्ट है, मॉर्निंग एंड नाइट में आप इसको यूज कर सकते हैं अपने क्लीन फेस पर। तो नेक्स्ट जो मेरे पास है गुड वाइब्स की जेल वो है गुड वाइब्स की क्यूकुम्बर जेल, तो इसका जो रिटेल प्राइस है वो 399 रुपीज और इसकी जो क्वांटिटी मेरे पास है 300 ग्राम
और ये भी बेस्ट विद है 3 ईयर्स। तो इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं टब साइज में है क्यूकम्बर जेल की। तो ये वाली जो गुडवाइज की क्यूकम्बर जेल है आपकी स्किन को ब्राइटन करेगी और आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड नरिश करेगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है बट इसका टेक्सचर लाइट वेट है, फ्रेग्रेंस थोड़ी ज्यादा है, कलर भी इसके अंदर ज्यादा है। क्यूकम्बर आप लोगों को पता है आपकी स्किन को काम करता है, सूथ करता है, रिड्यूस करता है रेडनेस को और आपकी स्किन को कूल करता है। और जो क्यूकम्बर होता है वो पफीनेस और जो अंडर आई बैग्स पर स्वेलिंग टाइप हो रखी होती है उसको भी कम करता है क्यूकम्बर जेल हेल्प करता है। और आपकी स्किन पर भी पफीनेस होती है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये वाली क्यूकम्बर जेल को आप समर सीजन में जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं क्योंकि आपके फेस पर पफीनेस और आई पर पफीनेस ज्यादा होती है तो ये वाली फेस जेल उसमें जरूर काम करेगी। तो आप हेयर एंड स्किन दोनों में यूज कर सकते हैं और मैंने विमेन दोनों के लिए परफेक्ट है, सुटेबल है, ऑल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, डेली यूज के लिए मॉर्निंग एंड नाइट में आप इसको क्लीन फेस पर यूज कर सकते हैं। ये आपके ब्लेमिशेस एंड ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगी। थोड़ी ये स्टिकी मुझे लगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, वैसे परफेक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए आप ऑयली स्किन है तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। इसका छोटा वाला साइज है वो आप ले पहले अगर आप लोगों को ट्राई आउट करनी है। तो नेक्स्ट मेरे पास है गुडवाइज की जेल में रोज एंड मलबेरी जेल। इसकी भी मेरे पास क्वांटिटी 300 ग्राम वाली है। इसका भी रिटेल प्राइस 399 रुपीज है और ये भी बेस्ट विद है 2 ईयर्स। तो ये वाली जो गुडवाइज की रोज एंड मलबेरी जेल है इसको आप हेयर एंड फेस दोनों पर यूज कर सकते हैं और ये सुटेबल है ऑल हेयर एंड ऑल स्किन टाइप के लिए। तो ये वाली जो गुडवाइज की रोज एंड मलबेरी जेल है आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, नरिश करेगी, ऐड करेगी ग्लो को और आपके जो डलनेस होती है स्किन पर उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, एक्नेस एंड पिंपल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगी या आपके हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। तो ये वाली जो गुडवाइज की जेल है ये आपके मेंटेन करती है पीएच लेवल को बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है अगेन इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा मुझे लगी, थोड़ी हाई फ्रेग्रेंस लगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिक है बट इसका टेक्सचर लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। आप इसको DIY में यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को यूज करनी है तो, आप इसको ओवरऑल बॉडी पर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं वैसे। और इसके अंदर फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है वैसे रोज एंड मलबेरी वाली है। तो ये वाली रोज एंड मलबेरी वाली जेल ये भी काफी अच्छी है, मुझे लगता है ड्राई स्किन के लिए ज्यादा अच्छी होगी तो आप इसका पहले स्मॉल साइज ले ले अगर अवेलेबल है तो। तो नेक्स्ट एंड लास्ट मेरे पास गुडवाइव्स की जेल में गुडवाइव्स की हनी जेल। तो हनी का आपको पता है कि स्किन के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए भी अच्छा होता है। तो ये वाली जो गुडवाइव्स की हनी जेल है ये परफेक्ट ऑल हेयर एंड ऑल स्किन टाइप के लिए बट ये ड्राई स्किन के लिए ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि हनी जो होता है आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। तो पैकेजिंग मेरे पास इसकी भी अगेन बड़ी वाली पैकेजिंग है टब साइज वाली। तो इसकी जो क्वांटिटी मेरे पास है 300 ग्राम, इसका भी रिटेल प्राइस 399 रुपीज है और ये भी बेस्ट विद है 2 ईयर्स। तो ये देखिए अंदर से प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, इसका टेक्सचर लाइट वेट है बट अगेन इसकी भी कंसिस्टेंसी थिक है, इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल की फ्रेग्रेंस है, हनी वाली के अंदर मुझे सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंस लगी है हनी जेल के अंदर। मुझे लगता है कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। तो ये वाली जो जेल है ये ट्रीट करती है एक्नेस एंड पिंपल्स को एंड डैंड्रफ को और इम्प्रूव करती है स्किन रेडियंस को, ऐसा ब्रांड ने क्लेम किया हुआ है। तो ये वाली जेल को आप DIY में यूज कर सकते हैं। तो ये वाली जेल मुझे ओके लगी, कुछ खास नहीं लगी। मैंने इसकी ऑलमोस्ट क्वांटिटी फिनिश ही कर दी है, इसके अंदर 1 to 2 स्पून ही बची हुई है। तो ये वाली हनी जेल को मैं रिपर्चेज नहीं करूंगी इन फ्यूचर में। तो मुझे ये गुडवाइज की जेल ओके लगी, इतनी कुछ खास नहीं लगी बट मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है रोज हिप वाली हाइड्रेटिंग फेस जेल और ये वाटरमेलन वाली जेल क्योंकि इनकी जो कंसिस्टेंसी टेक्सचर है लाइट वेट है। क्यूकम्बर वाली भी ठीक ठीक है तो आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं, पहले छोटा वाला साइज लें। सो आज की वीडियो के लिए इतने, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे वहां पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं @shinyankita और आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।